केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह शनिवार यानी कल रांची आ रहे हैं। वह झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान का शंखनाद करेंगे। पार्टी ने रांची के प्रभात तारा मैदान में प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति की सभा बुलाई है, जिसे वह मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। इस सभा में प्रदेश जिला मंडल स्तर की कार्य समिति और पार्टी के विभिन्न मोर्चों प्रकोष्ठों के 26,000 से ज्यादा पदाधिकारी और सदस्य शामिल होंगे। देखिए, भारत के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी कल झारखंड के विस्तारित प्रदेश कार्य समिति, विस्तारित में आप समझ लें कि 25,000 से ऊपर हमारी संख्या वो मंडल से लेकर के और जिला और प्रदेश और उसके बाद सभी 7 मोर्चों सबको मिला करके हम 25,000 से ऊपर संख्या हमारी रहने वाली है इस कार्य समिति में। इसे विस्तारित कार्य समिति का रूप दिया गया है, नाम दिया गया है और इसके इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए, उत्साह भरने के लिए, जोश भरने के लिए और यहाँ की जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है जिसने केवल और केवल धोखा दिया है, केवल राज्य को लूटा है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाने के लिए माननीय अमित शाह जी पधार रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बूथ से लेकर के और समझिए प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता उनको सुनने के लिए उत्साहित है और हम सब उनको बैठ करके सुनेंगे और जो उनका मार्गदर्शन होगा उसका हम लोग पालन करते हुए एक मजबूत सरकार, एक विकास के लिए समर्पित सरकार जो NDA के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाने के लिए हम लोग संकल्पित होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष काम करने वाली पार्टी है। हम अपने संगठन को हमेशा जीवित रखने वाले पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे रहते हैं। आपने देखा है, लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं हुए और हम अपने कार्यक्रम को फिर से शुरुआत किए। आज भी हमारा कार्यक्रम रोज चल रहा है। कल हमारे दोनों प्रभारी यहीं थे और आपने देखा कल 4-5 विधानसभा में भी हमारा अभिनंदन सह संकल्प सभा विधानसभा वाइज हुए और बड़े ही सक्सेसफुल ढंग से हुए और हम आगे भी इन सब चीज़ों को आगे ले जाने का काम करेंगे। सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। प्रदेश की बृहद बैठक कार्य समिति 20 तारीख को प्रभात तारा मैदान में है और हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं हमारे गृह मंत्री, पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के अभिभावक अमित शाह जी उस दिन रांची आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं को इससे बड़ा एक आह्वान जो है कि हम कैसे अगले चुनाव में अपने पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करके और इस राज्य को सुधारने का काम करें, इसका आह्वान 20 तारीख को होगा। झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल दमखम के साथ तैयारी में जुट चुकी है। अगर हम बात करें झारखंड के मुख्य विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मिशन मोड में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का रांची और झारखंड के अलग अलग जिलों में दौरा जारी है। अगर हम बात करें प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उनका भी लगातार कार्यक्रम झारखंड की राजधानी रांची में भी हुआ, झारखंड के अलग अलग जिले में हुआ सह प्रभारी, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का झारखंड दौरा रहा। कुछ दिन पूर्व ही वो रांची में भी दमखम के साथ नजर आए और अब कल यानी कि 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रांची आगमन होने जा रहा है। रांची आगमन होने के साथ साथ एक तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्जित करने का कार्य अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। अगर हम कल के कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दें, तो कल का कार्यक्रम रांची के ध्रुवा स्थित प्रभात तारा मैदान में किया जा रहा है और यह एक वृहद कार्य समिति का बैठक होगा जिसमें 26,000 कार्यकर्ता बुलाए गए हैं और हम कह सकते हैं कि इसी बैठक के साथ विधानसभा चुनाव के लिए उलगुलान कर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तमाम तरीके के बयान भी दिए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा और लगातार BJP के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। रफ्तार मीडिया से विशेष संवाददाता सौरभ राय की रिपोर्ट।